हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि एलसीएम और एचसीएफ जो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। और बच्चों, इसमें मैं आपको 100+ क्वेश्चन कराऊंगा इस सीरीज में, तो इसके सारे पार्ट्स आप ध्यान से देखना है। पहला पार्ट है बच्चों एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर जो मैं आज बनाने जा रहा हूं, और 100+ क्वेश्चन करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हमें एलसीएम और एचसीएफ में कुछ आता है, ये मेरा दावा है आपसे। तो बच्चों, ज्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं, शुरू करता हूं सीधा। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ में होता क्या है। तो बच्चों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं एलसीएम क्या होता है। जो बच्चों एलसीएम होता है, इसका मतलब होता है लोवेस्ट। एल मतलब लोवेस्ट, सी मतलब कॉमन, एम मतलब मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल बच्चों जो सबके भाड़े में आए उसे कहते हैं कॉमन, और मल्टीपल का मतलब गुणांक। मल्टीपल का मतलब होता है गुणांक, गुना में जो आए। सपोज करो आपको 2 का और 3 का एलसीएम पूछा जाता है कि 2 का और 3 का एलसीएम बताइए। तो बच्चों वो आपसे ये पूछना चाहता है कि ऐसी संख्या बताइए जो 2 के टेबल में भी आती है, 2 के गुना में भी आती है, मल्टीपल मतलब गुना, और 3 के पहाड़े में भी आती है, 2 के पहाड़े में भी आती है। तो बच्चों आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जो 2 के पहाड़े में भी आती है और 3 के पहाड़े में भी आती है। तो आप कहेंगे 2 एकम 2, 2 दुनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। ऐसी बच्चों 3 दुनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, ऐसी चलती रहेगी बच्चों, ठीक है। और 2 नहीं 2 सकते 14, 16 दूनी मठा, ऐसे चल रहे, ठीक है। तो बच्चों वो आपसे अगर एलसीएम पूछना चाहता है, तो एलसीएम का मतलब होता है कि ऐसी संख्या बताइए जो 2 के पहाड़े में भी आ रही है और 3 के पहाड़े में भी आ रही है। तो बच्चों ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आ रही है, 6 2 के टेबल में भी आ रहा है बच्चों और 3 के टेबल में भी आ रहा है। पर आप कहेंगे बच्चों 12 भी दोनों के टेबल में आ रहा है और 18 भी दोनों के टेबल में आ रहा है, तो एलसीएम कौन सा होगा। एलसीएम का मतलब ही ये होता है बच्चों, एल मतलब लोवेस्ट, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटी संख्या, कॉमन जो दोनों में हो, सबसे छोटी संख्या जो दोनों में हो, मल्टीपल जो दोनों के पहाड़े में सबसे छोटी संख्या हो उसे एलसीएम कहेंगे। तो दोनों के पहाड़े में, दोनों की टेबल में सबसे छोटी संख्या क्या है जो दोनों में है, तो सबसे छोटी संख्या बच्चों 12 से भी छोटी संख्या क्या है जो दोनों के पहाड़े में, वो 6 है। दोनों के पहाड़े में 12 भी है और 18 भी है, पर एलसीएम का मतलब होता है बच्चों सबसे छोटी ऐसी संख्या जो दोनों, दो संख्याओं का पूछे तो दोनों संख्याओं के में मिलनी चाहिए, अगर 3 संख्याओं का एलसीएम पूछता है तो तीनों के में मिलनी चाहिए वो संख्या, तो तीनों के में मिलनी चाहिए। अगर बच्चों 2 3 और 6 का एलसीएम पूछेगा तो तीनों के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या जो सबसे छोटी है, वो है 6। 2 और 3 का पूछेगा तो ऐसी 2, ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़े में, वो भी बच्चों क्या है, 6। तो 2 3 और 6 का एलसीएम बच्चों 6 होता है। आप समझ गए होंगे एलसीएम होता क्या है। एक बार फिर बता रहा हूं बच्चों, एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो सबसे छोटी हो और दोनों या तीनों या चारों संख्याओं के पहाड़े में भी आनी जरूरी है। एक संख्या का एलसीएम नहीं होता है, एलसीएम हमेशा बच्चों 1 2 3 4 संख्याएं होनी जरूरी है। 2 संख्याओं का एलसीएम ही मिनिमम निकाला जाता है, 3 का निकलता है, 4 का और ऊपर कितने का भी निकाल सकते हैं, पर हमेशा 2 संख्याओं का ही एलसीएम कम से कम निकाला जाता है। तो बच्चों आपने समझा होगा एलसीएम होता क्या है। एलसीएम ऐसी संख्या जो सबसे छोटी हो और जितनी भी संख्याओं के पहाड़े में आए, 2 का पूछा है तो दोनों के पहाड़े में आनी चाहिए, अगर 3 संख्याओं का एलसीएम पूछा है तो तीनों के पहाड़े में आनी चाहिए और वो सबसे छोटी भी होनी चाहिए, ये एलसीएम होता है। और एलसीएम जो होता है बच्चों वो जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं उन सबसे डिवाइड होता है। जैसे अगर बच्चों मैंने निकाला एलसीएम आपके सामने, सपोज करो मैंने आपके सामने जो एलसीएम निकाला है, मान लो मैं आपके सामने 2 का 4 का और 12 का एलसीएम निकालता हूं, तो बच्चों ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों के टेबल में आती है, तो इन तीनों के टेबल में क्या आता है बच्चों 12 आता है, 2 छक्का 12 4 3 12 12 एकम 12, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है 12 है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा बच्चों 12। 2 4 और 12 का एलसीएम होगा 12, क्योंकि 12 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी है और इन तीनों के पहाड़े में आते हैं, 2 के में भी 4 के में भी और 12 के में। निकालने का तरीका बच्चों मैं अभी आपको बताने वाला हूं, पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहना, आखिर एलसीएम निकालते कैसे।
तो एलसीएम क्या होगा बच्चों, सबसे पहले मेन कॉन्सेप्ट है, एलसीएम होता क्या है उसे समझ लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो एलसीएम बच्चों वो संख्या होती है जिनसे उसे निकाला जाता है, दो चार और बारह से मैंने एलसीएम निकाला है तो निकला बारह। अब ये बारह जो है बच्चों इन तीनों से ही डिवाइड होना जरूरी है, एलसीएम उन सभी संख्याओं से भाग होता है जिनका एलसीएम निकाला जाता है। तो एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या होती है जिनका हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम सभी संख्याओं से डिवाइड होता है, एलसीएम सभी संख्याओं से भाग होना जरूरी है, ये चीज ध्यान रखना आप। जो मैं आपको बता रहा हूं, जो एलसीएम होता है जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं उन सबसे वो एलसीएम भाग हो जाता है। जैसे दो छक्का बारह, चार किया बारह, बारह एकम बारह, तो एलसीएम क्या निकल गया बच्चों बारह। ठीक है, अब आप एलसीएम समझ गए होंगे। बात करते हैं बच्चों एचसीएफ की, एचसीएफ होता क्या है और एचसीएफ कहते किसे हैं। एचसीएफ का मतलब बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों ऐसी संख्या जो सारी संख्याओं को डिवाइड करे, भाग कर दे। पहले वाली संख्या भाग हो रही थी, एलसीएम भाग हो जाता है सभी संख्याओं से, और एचसीएफ क्या होता है सारी संख्याओं को भाग कर देता है। अगर सपोज करो आपसे दो छह और बारह का कोई एचसीएफ पूछता है तो बच्चों आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करती हो। पहले एलसीएम बताया था, एलसीएम इन सबसे भाग हो रहा था और एचसीएफ इन सबको भाग करेगा, ये ध्यान है, ये अंतर है दोनों में एलसीएम और एचसीएफ में। तो बच्चों ऐसी कौन सी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर रही है और वो सबसे बड़ी भी होनी चाहिए, सबसे बड़ी भी होनी चाहिए। तो दो ही एक ऐसी संख्या जो इन सबको डिवाइड कर रही है, क्योंकि दो एकम दो, दो दिया छह, दो छक्का बारह, तो दो इसे भी डिवाइड कर रहा है बच्चों, दो इसे भी डिवाइड कर रहा है, दो बारह को भी डिवाइड कर रहा है। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या हुई, दो, जो इन सबको भाग कर दिया उसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दो एक ऐसा गुणनखंड है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन जो तीनों में हो, फैक्टर जो इन तीनों का सबसे बड़ा गुणनखंड हो या जो भागफल इन्हें भाग कर दे उसे क्या कहेंगे, हम एचसीएफ कहेंगे। सपोज करो आपके सामने ऐसे पूछता बच्चों 10 15 30, अब बच्चों देखो ना इनका अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो क्या होगा एचसीएफ, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, जो इन तीनों को डिवाइड कर दे उसे हम एचसीएफ कहते हैं। अब बच्चों आपके सामने देखो ये दो भी सबको डिवाइड करेगा, दो पंजे 10, ठीक है, 15 को तो डिवाइड नहीं कर रहा, 5 से करते, मान लो सपोज करो 20 है आपके सामने, ऐसे दो पंजे 10, ठीक है, और दो दाई 20, और दो से भाग करेंगे, दो एकम दो, एक बचा दो पंजे 10, तो दो से अगर हम बच्चों डिवाइड करते हैं तो 5 10 15 आता है, तो उन्हें सबको डिवाइड कर दिया, आप कहेंगे एचसीएफ 2 है, पर एचसीएफ 2 नहीं है, क्योंकि दो से भी बड़ी एक ऐसी संख्या जो इन सबको डिवाइड कर रही है, और वो संख्या क्या है बच्चों 10 है, क्योंकि 5 भी नहीं डिवाइड कर रहा, देखो 5 गुनी 10, 5 20, 5 30, अब आप कहेंगे एचसीएफ 5 है, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। अब बच्चों 5 से भी बड़ी एक संख्या ऐसी है जो इन तीनों को डिवाइड कर रही है, वो है 10, 10 एकम 10, 10 दुनी 20, 10 दिया 30। तो बच्चों आपने देखा होगा अब यहां पे कोई संख्या ऐसी नहीं है 10 से बड़ी जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, तो एचसीएफ क्या होगा बच्चों 10 होगा, ना तो एचसीएफ 2 होगा ना ही 5 होगा, एचसीएफ क्या होगा 10। तो हाईएस्ट संख्या हमें देखने बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें ढूंढना है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो, उसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं एचसीएफ कहते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया होगा। एलसीएम वो संख्या होती है जो सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाती है, पर एचसीएफ क्या होता है बच्चों, एचसीएफ सारी संख्याओं को भाग करता है और वो बड़े से बड़ा होना चाहिए, ऐसा नंबर बड़े से बड़ा जो सारों को भाग करे। तो दो भी डिवाइड कर रहा था बच्चों, 5 भी डिवाइड कर रहा था सारों को, पर 10 सारों को डिवाइड कर रहा है और 10 इन सबसे बड़ा है 2 और 5 से, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं इन्हें निकालने का तरीका, एलसीएम और एचसीएफ मैंने आपको बता दिया होता क्या है, और पर अब मैंने तरीका बता रहा हूं कि इन्हें निकालते कैसे हैं। बच्चों फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहता हूं कि इस चीज का ध्यान रखना, एलसीएम सभी संख्याओं से भाग हो जाता है जिनका निकाला जाता है, पर एचसीएफ सारी संख्याओं को भाग करता है, इस डिफरेंस को आप माइंड में जरूर रखना ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन इसी बेस पे होने वाले हैं सारे के सारे।
तो बच्चों मान लो सपोज करो मैं क्वेश्चन नंबर एक से शुरुआत कर रहा हूं। बच्चों इस सीरीज में एलसीएम और एचसीएम की सीरीज में मैं 100+ क्वेश्चन आपको कराऊंगा ताकि आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो आए क्वेश्चन वो सारे इसमें कवर हो जाएं और आपको किसी भी एग्जाम में दिक्कत ना आए। तो बच्चों मान लो सपोज करो पहला मैं पूछ रहा हूं आपसे 12 और 36 का एलसीएम बताइए, 12 और 36 का एलसीएम बताइए। तो 12 और 36 का एलसीएम क्या होगा प्यारे बच्चों? सिंपल, तो जो मैंने रूल बताया एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो इन दोनों से क्या डिवाइड होगा बच्चों? 36, 12 एकम 12 5 2 36, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। पर बच्चों निकालना कैसे है? बड़ी संख्याएं आ जाए, यहां तो छोटी संख्याएं हैं, बड़ी संख्याएं आपके सामने आ गई तो निकालोगे कैसे? ज्यादा संख्याएं आ गई तो कैसे निकालोगे? तो आपको करना क्या है, जितनी भी संख्याओं का एलसीएम निकालना है उन्हें बच्चों ऐसे लिख लेना और सपोज करना आप सबसे पहले आपको इजी जो मेथड बता रहा हूं वो देखना है कि दोनों संख्याएं किससे डिवाइड हो रही है। सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं तो ऐसे देखना कि दोनों संख्याएं किससे डिवाइड हो रही है। दोनों संख्याएं बच्चों 12 से डिवाइड हो रही है, 12 एकम 12 5 12 किया 36। अब किससे डिवाइड हो रही है बच्चों? जब तक एक एक ना हो जाए तब तक करते रहना, 3 से कर दो, 3 एकम 3। तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों? 12 यहां पे लिखना, 3 यहां पे लिखना, 12 दिया 36। तो एलसीएम क्या निकल के आया बच्चों? 36। आप चेक करके भी देख सकते हैं, 36 जो बच्चों 12 से भी भाग हो रहा है, 12 दिया 36 और 36 एकम 36। तो एलसीएम वो संख्या होती है जो जिन संख्याओं का निकाला जाता है एलसीएम उन दोनों से ही भाग हो जाए या तीनों से ही भाग हो जाए अगर 3 संख्याएं हो तो। अब और एग्जांपल बताता हूं बच्चों, अगर इसका आपसे क्या पूछता है, एचसीएफ पूछता है बच्चों, क्या पूछता है? एचसीएफ, एलसीएम की जगह अगर बच्चों क्या पूछता है? एचसीएफ पूछता है कि इनका क्या बताइए, एचसीएफ बताइए। तो एचसीएफ में क्या करेंगे बच्चों, हमें यह देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों को भाग कर रही है। तो ऐसी कौन सी संख्या है? बड़ी से बड़ी 12, 12 एकम 12 5 12 दिए 36। ये तो ओरली निकाल लिया हमने, पर निकालने का जो तरीका है वो क्या है बच्चों? 36 को ऐसे लिखना बच्चों अंदर, बड़े वाली संख्या को अंदर लिखना और छोटी संख्या को बाहर लिखना, ऐसे 12 से डिवाइड करना बच्चों, 12 एकम 5 12 दिया 36। तो जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाता है बच्चों, अगर छोटे वाली से बड़े वाली पूरी पूरी कट गई है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा वहां पे? 12। तो एचसीएफ क्या है यहाँ पे? 12। ठीक है, एलसीएम आपको बताया था, एचसीएफ भी बता दिया है। अब और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको यही देखना है कि क्या हो रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, सपोज करो आपसे पूछता 12 18 और 24 का एलसीएम बताइए। क्या पूछता है? 12 18 24 का एलसीएम पूछ रहा है। तो करना क्या है बच्चों आपको? सिंपल जो मैंने बताया तरीका, 12 18 24। तो सबसे पहले बच्चों आप ये देखो कि कौन सी संख्या ऐसी है बड़ी से बड़ी जो तीनों को डिवाइड कर रही है। तो आपकी नजर में अगर आ रहा हो तो 6 देखो बच्चों, 6 तीनों को डिवाइड कर रहा है, 6 दुनी 12 6 दिया 18 6 चौक 24। और वैसी कौन सी संख्या बच्चों जो इन तीनों को डिवाइड कर रही है? तो वो संख्या क्या है बच्चों? 2 से कर देंगे हम, 2 एकम 2 3। ऐसी जो संख्या डिवाइड ना हो रही हो बच्चों उसको ऐसे ही नीचे उतार लेना, और 2 दुनी 4 देखो सिंपल हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों 2 से करना, फिर से 2 से हो जाएगा 3, ऐसी 2 एकम 2, फिर 3 से हो जाएगा बच्चों 3 1 1। ठीक है, तो देखो बच्चों 6 दुनी 12 12 दुनी 24 24 दुनी 32 24 किया 24 दुनी 48 24 किया 72। तो ऐसी कौन सी संख्या जो इन सबसे भाग हो रही है बच्चों? 6 दुनी 12 12 दुनी 24 24 दुनी 48 24 किया 72। तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है बच्चों? 72 एलसीएम आ रहा है। तो 72 ऐसी संख्या बच्चों जो इन तीनों से डिवाइड हो रही है पूरी पूरी। देखो पूरा पूरा भाग हो रहा है, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो जो एलसीएम होता है बच्चों वो सारी संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाता है। अगर सपोज करो इसी का ही आपसे बच्चों क्या पूछता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालोगे आप? क्वेश्चन नंबर 4 अगर है, पूछ रहा है का एचसीएफ बताइए,
तो एचसीएफ में क्या करना है बच्चों, आपको सबसे पहले देखना है किससे डिवाइड हो रहा है। तो या आपको क्या करना है बच्चों, 12 और 18 तीन संख्याएं अगर आ जाए, 18 और 12 में बच्चों कितने का डिफरेंस है, 6 का। 24 और 18 में बच्चों कितने का डिफरेंस है, 6 का। और 24 और 12 में भी कितने का डिफरेंस है बच्चों, 12 का। कितने का डिफरेंस है, 12 का। तो बच्चों सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी क्या हुई, 6 और ये 12। अब देखो जो 6 है ये सब में 6-6 का डिफरेंस है कम से कम, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, 6 इनका एचसीएफ आ जाएगा, क्योंकि 18 में से 12 के बच्चे 6, 24 में से 18 के बच्चे 6। अब देखा हमने 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 × 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24। अब देखो बच्चों इन्हें और किसी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं नहीं, अब आप इन्हें किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 6 के। तो इनका एचसीएफ क्या आया, तीनों संख्याओं का एचसीएफ आ गया बच्चों 6। और इसका एक और तरीका है बच्चों, जनरल अगर आपको देखना है तो उसका दूसरा तरीका भी मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर आपके सामने तीन संख्याएं आ जाए एचसीएफ निकालने के लिए, तो पहले दो का एचसीएफ निकाल लो, 12 और 18 का। तो 12 × 12 ऐसे लिखना, ठीक है। 18 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या है बच्चों, 6। और 12 यहां पे लिखना बच्चों ऐसे, 6 × 12, तो कितना है बच्चों, 6। 6 से पूरा पूरा भाग हो, इसका मतलब क्या है, जिससे पूरा पूरा भाग हो बच्चों वो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या है इन दोनों का, 6। 12 नहीं है, अभी आप 12 सोचो, 6 एचसीएफ है, 6 × 12, इससे पूरा पूरा भाग हुआ 6 से, इन दोनों का एचसीएफ बच्चों 6 आ गया है, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 6। अब 6 का और 24 का देख लो, जो यहां पे आया उसका देख लो, 24 ऐसे लिखना और 6 ऐसे लिखना बच्चों, ये जिसका इसका, इन दोनों के एचसीएफ से 24 का निकालो, 6 × 24, तो इन दोनों के एचसीएफ से ये संख्या भी पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। तो एचसीएफ कितना आया बच्चों हमारा, 6 आ गया एचसीएफ, देखो कितना आराम से आ रहा है, ठीक है। अब एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं अगला, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो, फिर बच्चों आगे बढ़ेंगे थोड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर पांच में मान लो सपोज करो बच्चों आपसे पूछा 70, 105, ठीक है, और मान लो 75 का, मान लो बच्चों क्या पूछ रहा है, एलसीएम आपसे पूछना चाहता है, जो संख्या बच्चों तीनों को डिवाइड करे वही इनका क्या होगा एलसीएम, और जो बचेगा वो भी। तो क्या करना है, 70, 105 और 75। तो सबसे पहले बच्चों देखो कौन सी संख्या ऐसे जो भाग कर रही है, पहले तो 5 कर रही है बच्चों, 5 से भाग कर दो, 5 से 70 को भाग करेंगे, 5 का भाड़ा 70 में चलाना है बच्चों, 7 में चलाएंगे तो कितनी बार चलेगा 5 का भाड़ा 7 में, 1 बार, 5 × 5, 7 में से 5 के बच्चों बचे 2 आगे चला गया, कितना होगा 20, 5 × 20 ऐसे। फिर इसमें पढ़ेंगे बच्चों 5 × 5 = 10, 5 × 5, अब यहां पे पढ़ेंगे बच्चों 5 × 5, 2 बचे 2 आगे चला गया, तो 5 × 5 = 25। अब बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं 3 से, 14 ऐसे लिखेंगे, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 3 से भी हो गया बच्चों, जो नहीं हो रहा उसे ऐसे छोड़ देंगे। अब 7 से देख लो बच्चों, 7 × 14, 7 × 7 = 5 ऐसी। अब बच्चों 2 से कर सकते हैं आप, 2 × 2 = 1 = 5 ऐसी, फिर 5 से कर सकते हैं 1 × 1 = 5 = 5, इन सब की गुना कर देना बच्चों एलसीएम आ जाएगा आपका, 5 × 3 = 15, 7 × 14 × 5, 5 × 3 = 15, 7 × 14 = 5 = 5। अब क्या करना बच्चों, 15 की 5 में कर लो या 14 की 5, इन तीनों की गुना करके देखना है बस। तो क्या करेंगे, 5 × 20 = 2, 5 × 5 = 2 = 7, 14 × 5 = 70, 15 × 0 = 0, 15 × 7 = 105। तो इनका एलसीएम कितना है बच्चों, 1050। तो बच्चों 1050 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, देखा आपने कितने आराम से ये हो गया। अब बच्चों एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अगला, मान लो क्वेश्चन नंबर छह में क्या है बच्चों, उसमें भी आपसे पूछ रहा है, मान लो बताइए कि इसका क्या आएगा। अब की बार मान लो सपोज करो बच्चों भिन्न आ गई है, 3/5 है, मान लो सपोज करो 3/5 है, और फिर मान लो बच्चों क्या 1/3 है, और फिर सपोज करो 5/6 है, का एलसीएम बताइए, का एलसीएम बताइए क्या होगा।
तो इस कंडीशन में क्या करना है बच्चों, मैंने एलसीएम बता रहा हूं, इससे अगले वाली वीडियो में बच्चों मैं एचसीएफ बताऊंगा कि भिन्नों का एचसीएफ कैसे लेते हैं। तो इसमें एलसीएम कैसे लेना है बच्चों, 3, 1, 5 का एलसीएम लेने का जो तरीका बच्चों, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ लेना है। जो ऊपर होगा उन ऊपर वालों का वही, जो निकाला जाए बच्चों एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वालों का एलसीएम लेना, अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वाले का उल्टा, एलसीएम को उल्टा एचसीएफ नीचे वालों का लेना। तो जो निकलेगा ना बच्चों को क्या निकलेगा, वो एलसीएम ही निकल के आएगा। तभी आप सोचिए तो दोनों निकल गए, दोनों नहीं निकल गए, एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वालों का एलसीएम लेना है, नीचे वालों का एचसीएफ लेना है, तो क्या निकलेगा एलसीएम, जो पूछा जाए ऊपर वालों का वही निकालना। तो 3, 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 15, देख लेना आप निकाल के, 3 और 1 5 के पारे में क्या होता है 15, 3, 5, 3 और 6 का एचसीएफ क्या होगा बच्चों, ऐसी कौन सी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर रही है, तो ऐसी सिर्फ एक है बच्चों जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, 5 को भी 3 को भी और 6 को भी सिर्फ एक है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो एलसीएम क्या निकला बच्चों, नीचे 1 लिखो या मत लिखो, एलसीएम निकला 15। ठीक है, चलो बच्चों इसी के साथ आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर बच्चों पसंद आया है तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगले वाली वीडियोस को जरूर देख लें ताकि आपको एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये सीरीज ऐसी चलती रहेगी बच्चों, 100+ क्वेश्चन इस सीरीज में होने वाले हैं। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का धन्यवाद।